थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं जिनसे की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में ही भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और 6 और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख की सांस आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि जाट इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वह ठाकुर की पूजा कर सके। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद ना आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्तिभाव से बैठकर लस्सी रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले बालक को इस बात का कहां ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। एक घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनकी कार्य सवार देता है। मुझे गेहूं दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज गायें भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहला गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है तो मैं फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना राम नाम का सिमरण करने लगा। मौज में आकर धन्ना कई बार भगवान को अपने पास बुला लेता और उनसे अपने कार्य पूर्ण करवाता।